भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे लगभग पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है और जल्द ही आम नागरिकों के लिए खोला जाएगा। जी हाँ, इस वीडियो में बात करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में, जो कि पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाने के बाद हमारे देश का सबसे लंबा ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे हो जाएगा। आपको बता दें कि वर्तमान में हमारे देश का सबसे लंबा ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, जिसकी लंबाई लगभग 302 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे आगरा से लखनऊ को कनेक्ट करती है वाया कन्नौज, और यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। लेकिन बहुत ही जल्द आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की उपाधि छिनने वाली है, और यह उपाधि अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जाने वाली है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य में किया जा रहा है और इसकी लंबाई लगभग 340 किलोमीटर है। अतः पूरी तरीके से निर्माण के बाद यह हमारे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। लेकिन आपको बता दें, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास यह उपाधि ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में वर्तमान में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 1350 किलोमीटर है, और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा। अतः दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हमारे देश का सबसे लंबा अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे है, जो कि 2023 में ऑपरेशनल होगा। इस प्रकार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आने वाले लगभग 2 सालों के लिए हमारे देश का सबसे लंबा ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे बना रहेगा। उसके बाद यह उपाधि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को चली जाएगी। अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के वर्तमान निर्माण परिस्थितियों पर बात की जाए, तो ऐसा अनुमानित है कि यह एक्सप्रेसवे अप्रैल महीने के अंत तक या मई महीने के शुरुआत में यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। तो इस वीडियो में आगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना की संपूर्ण जानकारी, इसका वास्तविक रूट अलाइनमेंट और कितने चरणों में इसका निर्माण कार्य चल रहा है, इसकी भी जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही अंत में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण की वर्तमान परिस्थितियों की भी जानकारी दी जाएगी। मेरा नाम है श्रवण और स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में किया जा रहा है, और यह एक्सप्रेसवे लखनऊ जिले के चांदसराय से शुरू होकर गाजीपुर जिले के हैदरिया गांव में समाप्त होती है, और यह उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से होकर गुजरती है, जिनके नाम है लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। अर्थात यह एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार को लखनऊ से जोड़ती है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 6 लेन का कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे होगा, जिसको कि फ्यूचर में 8 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकता है, और इसकी कुल लंबाई 340.824 किलोमीटर है। वर्तमान में एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है, और इसके बन जाने के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकास के द्वार खुल जाएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में लखनऊ से दिल्ली की कनेक्टिविटी वाया एक्सप्रेसवे मौजूद है, जिसके अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे, जिसको कि DND फ्लाईवे के नाम से जाना जाता है, यह सभी शामिल हैं। अतः पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी लखनऊ के साथ साथ दिल्ली से भी हो जाएगी। इतना ही नहीं, इसके निर्माण से बिहार के लोगों को भी फायदा मिलेगा। वर्तमान में गाजीपुर से लखनऊ तक की दूरी को पूरा करने में लगभग 7 घंटों का समय लगता है, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 3 से 3.5 घंटों में पूरा किया जा सकेगा, और गाजीपुर से दिल्ली के बीच वर्तमान में 15 से 16 घंटों का समय लगता है, जो कि घटकर मात्र 9 से 10 घंटे रह जाएगी, जिसके कारण समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, CCTV कैमरा, सोलर लाइट, किसी प्रकार की आपातकालीन स्थिति के लिए निरंतर अंतराल पर टेलीफोन बूथ, बारिश के पानी का उचित उपयोग हो पाए इसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, यात्रियों की सुविधा के लिए रोड साइड एमिनिटीज जैसे कि फूड प्लाजा, रेस्ट रूम, वॉशरूम, फ्यूल पंप इत्यादि का प्रावधान होगा। और सबसे बड़ी बात, सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 3.2 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच का निर्माण एयर स्ट्रिप के तौर पर किया जाएगा, जिस पर की विशालकाय विमान और फाइटर जेट जैसे कि राफेल इत्यादि लैंड और टेक ऑफ हो पाएंगे किसी भी प्रकार की आपातकालीन परिस्थिति में। एवं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द इंडस्ट्रियल पार्क्स का भी निर्माण किया जाएगा, जिसके कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा। पर्यावरण में प्रदूषण की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए इस एक्सप्रेसवे के आसपास 3,65,000 से ज्यादा पेड़ों को भी लगाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी।
और इसका पेवमेंट बिटुमिनस पेवमेंट होगा। इस एक्सप्रेसवे की कुल चौड़ाई 120 मीटर होगी, जिसमें वर्तमान में 90 मीटर चौड़ा 6 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, बाकी का फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए रिजर्व है। अब बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2018 में आजमगढ़ में रखी थी और इसका निर्माण कार्य अक्टूबर 2018 में शुरू किया गया। और यह एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का प्रोजेक्ट है और इसको उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा डेवलप किया जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण टोटल 8 पैकेजेस में किया जा रहा है। अब बात करते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पैकेज वाइज डिटेल के बारे में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को टोटल 8 पैकेजेस में डेवलप किया जा रहा है। पैकेज 1 जो कि लखनऊ जिले के चांदसराय से बाराबंकी जिले के संसारा तक है और इसकी कुल लंबाई 40.47 किलोमीटर है। पैकेज 2 जिसकी कुल लंबाई 39.7 किलोमीटर है, बाराबंकी जिले के संसारा से अमेठी जिले के जराई कला तक है। पैकेज 3 अमेठी जिले के जराई कला से सुल्तानपुर जिले के सिद्धि गणेशपुर तक है और इसकी कुल लंबाई 41.7 किलोमीटर है। पैकेज 4 सुल्तानपुर जिले के सिद्धि गणेशपुर से सुल्तानपुर जिले के ही संसारपुर तक है और इसकी कुल लंबाई 42.7 किलोमीटर है। पैकेज 5 सुल्तानपुर जिले के संसारपुर से आजमगढ़ जिले के गोविंदपुर तक है और इसकी कुल लंबाई 54 किलोमीटर है। पैकेज 6 आजमगढ़ जिले के गोविंदपुर से आजमगढ़ जिले के ही मोजरापुर तक है और इसकी कुल लंबाई 28.2 किलोमीटर है। पैकेज 7 आजमगढ़ जिले के मोजरापुर से गाजीपुर जिले के बिजौरा तक है और इसकी कुल लंबाई 46.03 किलोमीटर है। और पैकेज 8 गाजीपुर जिले के बिजौरा से गाजीपुर जिले के ही हैदरिया तक है और इसकी कुल लंबाई 47.97 किलोमीटर है। और वर्तमान में सभी पैकेजेस पर लगभग 85% तक काम कंप्लीट हो चुका है और बाकी का बचा हुआ काम भी बहुत ही जल्द कंप्लीट कर लिया जाएगा, क्योंकि अर्थ वर्क का काम लगभग 98% तक कंप्लीट हो चुका है। और अगर बात करें ओवरऑल प्रोग्रेस की तो लगभग 83.18% तक काम पूरा हो चुका है। और किन किन पैकेजेस को कौन कौन से कॉन्ट्रैक्टर्स डेवलप कर रहे हैं इसकी जानकारी भी आपके स्क्रीन पर दी गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में कुल 22,494.66 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इस एक्सप्रेसवे के पूरी तरीके से निर्माण की आधिकारिक डेडलाइन अक्टूबर 2021 है। इस डेडलाइन को कोविड-19 की वजह से शिफ्ट किया गया। पहले इसकी आधिकारिक डेडलाइन जनवरी 2021 थी, लेकिन आपको बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को पार्शियली मई 2021 में ओपन कर दिया जाएगा। इसके लिए आप अमर उजाला के आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मई से शुरू हो जाएगा यातायात। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर भी निर्माण कार्य काफी तेजी से चल रहा है। हाल में ही दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे यातायात के लिए खोला जा चुका है। इसके अलावा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य चल रहा है एवं गंगा एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे का भी निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू किया जाएगा। अगर हिंदुस्तान के आर्टिकल को देखें तो इसमें बताया गया है कि इसी महीने के अंत तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। यह आर्टिकल 7 अप्रैल 2021 को पब्लिश हुआ है। अतः हिंदुस्तान हिंदी के अनुसार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को अप्रैल महीने में ही खुलने की उम्मीद है। इसके साथ ही बिहार वासियों के लिए भी काफी अच्छी खबर है, जैसा कि आप द पायोनियर के आर्टिकल में पढ़ सकते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को यूपी के गाजीपुर से बिहार तक एक्सटेंड किया जाएगा। इसके साथ ही बलिया लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण भी किया जाएगा, जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बलिया से जोड़ेगा। और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का भी निर्माण किया जा रहा है, जो कि गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। इसके साथ ही एक और एक्सप्रेसवे जो कि प्रयागराज लिंक एक्सप्रेसवे होगा, यह प्रयागराज और लखनऊ के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। वर्तमान में प्रयागराज लिंक एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है। अतः उत्तर प्रदेश भारत का एक्सप्रेसवे प्रदेश बन चुका है। और एक बात मैं आप सभी को स्पष्ट कर दूं कि उत्तर प्रदेश में जितने भी एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य हो चुका है या निर्माण कार्य चल रहा है या निर्माण कार्य होने वाला है, इनमें से 90% अर्थात 90% एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किया गया है या किया जा रहा है और इसका क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया जा रहा है। तो ये था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में संक्षिप्त जानकारी और इसकी वर्तमान परिस्थिति। अगर आप केंद्र सरकार द्वारा 2025 तक बनाए जा रहे 23 एक्सप्रेसवे के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे थंबनेल पर क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।